देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल। समाधि स्थल मतलब जहां पर उनकी चिता को जलाया गया है, उनकी जो समाधियां है वो वहां पर स्थित है। जैसे यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, किसी की भी, क्या तो सिंगल पूछ लेता है किसकी समाधि स्थल कहां पर है या फिर मैच करवाता है, तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। समाधि स्थल और व्यक्ति, देखिए सदैव अटल मतलब ये बिल्कुल करंटली चीजों से जोड़े गए ये चीजें आप याद रखना। सदैव अटल जो है, जो समाधि स्थल है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सदैव अटल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर एक कर्म भूमि, कर्म भूमि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा का है। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। फिर राजघाट, राजघाट हम सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की जो समाधि है उसे जाना जाता है। ये भारत की पहली महिला प्रथम बनने वाली पीएम थी, भारत की पहली महिला पीएम बनने वाली महिला थी और ये दो बार प्रधानमंत्री बनी। एकता स्थल, एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को कहा जाए। ज्ञानी जैल सिंह भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जो जयंती मनाई जाती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है दोनों की कंबाइन, ठीक है। शांति वन, शांति वन जो समाधि स्थल है वो है जवाहरलाल नेहरू का, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद है अभय घाट, अभय घाट जो समाधि स्थल है, अभय घाट किसकी है बताइए? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। किसान घाट, किसान घाट ये समाधि स्थल है भारत के प्रधानमंत्री, जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ये उनकी समाधि स्थल है किसान घाट, ठीक है। नेक्स्ट है उदय भूमि, उदय भूमि ये है के आर नारायण की, के आर नारायण भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना के आर नारायण। क्या है समाधि स्थल का नाम? उदय भूमि। नेक्स्ट है वीर भूमि, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? यह है राजीव गांधी की, ठीक है, राजीव गांधी की। किसके बेटे थे राजीव गांधी? किसके बेटे थे? इंदिरा गांधी के बेटे थे जवाहर राजीव गांधी। महाप्राण घाट, महाप्राण घाट यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम लगातार 2 बनने वाले राष्ट्रपति थे, इनकी समाधि स्थल क्या है? महाप्राण घाट को किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये लगातार कंटिन्यूटी के साथ 2 बार बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। नेक्स्ट है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के संविधान के निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? चैत्रा भूमि। नेक्स्ट है नारायण घाट, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? किसकी है? गुलजारीलाल नंदा, वेरी गुड। नेक्स्ट है समता स्थल, समता स्थल किसकी है? जगजीवन राम की समाधि स्थल है, समता स्थल जगजीवन राम। तो ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण चीजें
जो समाधि स्थल से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और कम से कम आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुशेर गॉड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एनर्जी के साथ। कल आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास, कल आप लोगों के टेस्ट होंगे और शनिवार नहीं, कल संडे है, कल आप लोगों के टेस्ट होंगे, ठीक है? तो तीन टेस्ट आपको उपलब्ध होंगे, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़े आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुशेर गॉड, थैंक यू।